एक गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग SBI क्लर्क का फॉर्म भर चुके हैं, जैसे मैंने बताया था SBI क्लर्क में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो इस साल आपका बहुत लकी चांस है कि आपके पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं और आपके पास टाइम भी काफ़ी, अभी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना मतलब एक गोल सेटअप कर सकते हैं और अपनी एक जॉब हासिल कर सकते हैं। SBI क्लर्क बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, ठीक है। क्लर्क के बाद में करें सबसे अच्छी जॉब मान जाती है क्लर्क के बारे में सभी बैंक्स में से। अब देखिए बात करते हैं आपके पास प्री लेवल की प्रिपरेशन कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो रहेगा मोस्टली, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक देखिए उनके लिए भी मैं कुछ छोटे टिप्स दूंगा, लेकिन मोस्टली ये रहेगा कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, अब वो लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उनकी बात करेंगे। देखो वो लोग क्या करें, सबसे पहली बात तो अपना डेली एक मॉक टेस्ट दें, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं जो मर्जी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करता है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, आपकी स्पीड को जज करता है। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं जिसमें आपको अपने आप जज कर सकें। जब भी मॉक लगाएं इसको एनालाइज ज़रूर करें, ठीक है। मॉक खत्म करें, देखें आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन जहाँ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा उनमें टाइम कम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हो। अब मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। देखिए वैसे तो आप लगा सकते हैं मॉक टेस्ट कहीं से भी, पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हर हफ्ते प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा जो भी एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अभी SBI क्लर्क चल रहा है तो आपको इसका, जैसे आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, तो आज 5 बजे से लेकर कल रात के 10 बजे तक ये लाइव होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है आप देखते हैं थर्सडे को आएगा। आप इसको वेबसाइट से लगा सकते हैं, ऐप से लगा सकते हैं, साथ साथ लिंक से लगा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। और मतलब हफ्ते में एक मॉक तो ये मिल जाएगा आपको फ्री, और उसके अलावा आप कोई भी मॉक लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं, देखिए आपको ये पता है कि एक मॉक हो गया आपका, मॉक टेस्ट के बाद मेनली बात करती है मैटर क्विजेस, ठीक है। क्विजेस डेली लगाएं। आप जानते हैं कि ये जो पेपर है इसमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है और एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान दें क्विजेस बहुत बड़ा रोल करती हैं, डेली क्विजेस करें। कुछ क्विजेस जैसे सिंप्लीफिकेशन की क्विजेस हो गई, ठीक है, और आपके पास क्वाड्रेटिक की क्विजेस हो गई, नंबर सीरीज की क्विजेस हो गई, ये डेली करें। इनमें कोई भी मतलब वो ना बख्शे कि हाँ डेली करनी है, चाहे दो क्विज ऐसे कर सकते हैं, ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं रीजनिंग में आप 2 से 3 क्विजेस करें, वो मिसलिनियस हो सकती हैं, या फिर वो ऐसे हो सकते हैं कि एक दिन आपने स्लॉक्स की कर ली, ठीक है, एक दिन आपने इनइक्वालिटीज की कर ली, ऐसे 2-3 क्विजेस डेफिनेटली करें, ठीक है। साथ साथ बात करूँगा आपको कि आप डेली अर्थमेटिक के लगभग 10 से 20 सवाल बनाएं, ये ज़रूर बनाएं। अब आप इसमें ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक लें, ठीक है, टॉपिक लें, जैसे मैंने ले लिया प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस के 10-20 क्वेश्चन बनाऊँ, या फिर मिसलिनियस भी आप बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऐसे ही आप पज़ल में जाएं और डेली 10 से 12 पज़ल ज़रूर बनाएं, ठीक है, प्री लेवल की पज़ल ज़रूर बनाएं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ें हो गई दोनों इंग्लिश और रीजनिंग में और क्वांट में, ठीक है, इतना ही करें रीजनिंग और क्वांट में, इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में रीडिंग ज़रूर करें, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करते करते आप ध्यान दें, लगभग आपके 2-3 आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ें, साथ साथ जो उनमें आपको मुश्किल वर्ड लगते हैं उन मुश्किल वर्ड्स को आप लिख सकते हैं कहीं पर, और उनको लिखकर उनके मीनिंग भी लिख सकते हैं साथ में, ताकि अगली बार जब आप क्या कहते हैं कोई वर्ड ऐसा देखें तो आपको याद रहे, ठीक है। और डेली उन वर्ड को रिवाइज करें सोने से पहले, जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं ज़रूर रिविजन करें उसका, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो एक मॉक लगा रहे हो वो तो लगाओ, और मैं कहूँगा कि इंग्लिश की क्विजेस भी लगाएं जितनी मिल सकती हैं, प्लस एक सेक्शनल मॉक ज़रूर दें इंग्लिश का, और एनालाइज ज़रूर करें इसको। देखिए इंग्लिश में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो भी मॉक में आपको लग रहा है कि ये रूल नया है, ये वर्ड नया है, हर एक वर्ड जो मॉक में है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो उसको लिखिए अपनी कॉपी में और उसका मतलब पता लगाइए, ठीक है। तो ये मेन बात थी जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। अब बात करते हैं जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग क्या करें। देखिए आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप मॉक्स पे ना जाएं, जितना भी टाइम आपके पास है आप एक टॉपिक कवर कीजिए, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितने ज़्यादा कर सकते हैं, उस टॉपिक की क्विजेस सॉल्व करिए, ठीक है। आप इस तरह से आगे बढ़िए और धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कवर करिए पहले, जितना आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मॉक्स पे आप जाइए।
ठीक है, उनके लिए बेसिक सलाह यही है कि आप डेली एक टॉपिक कवर कीजिए। अब वो किसी मतलब जैसे आपने क्वांट का टॉपिक कवर किया तो उसके क्वेश्चंस करिए, उसके क्विजेस लगाइए, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने करिए। और फिर आप जब आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उनका क्विजेस लगाइए, ज़्यादा टॉपिक टेस्ट लगाइए, ठीक है, टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखिए। और जब आपको लगता है कि हाँ आपका एक लेवल तक सिलेबस हो चुका है, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स पे शिफ्ट करिए कि सेक्शनल मॉक लगाता हूँ। और फिर फाइनली अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो चुके हैं तो आप क्या कहते हैं तैयारी कीजिए। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मैं अभी आज ही तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो लोग तैयारी कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। बट सौरभ सर एक बात बोलते हैं और हमेशा मैं भी एक बात बोलता हूँ कि आप आधी प्रिपरेशन से किसी एग्ज़ाम में मत जाइए, लक होता है। बट आप क्या करेंगे, आप जैसे उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाएंगे ना, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप अपनी मतलब प्रिपरेशन ख़राब कर देंगे। तो उस चीज़ को वैसे मत करिएगा, आराम से प्रिपेयर करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल लीजिए। अगर आप प्रिपेयर हो जाते हैं इस वीक लग तक तो आप बैठिए एग्ज़ाम में, ठीक है जी। तो इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच। लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस मॉक का जो मॉक टेस्ट है उसको दीजिए जाकर। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।